नमस्कार दोस्तों, अब आप जियो से भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ऐसे ही लोन से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ, जिससे आपकी हमेशा हेल्प होती रहती है। सबसे पहले आप क्या करें, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में माई जियो एप्लीकेशन का अपडेटेड लिंक दिया है, या फिर अगर अपडेटेड नहीं है तो अपने को आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च कर देना है माई जियो। यहाँ पर आप ध्यान से सर्च करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख लें, आपको सारा कुछ समझ में जाएगा कि भाई जियो किस तरीके से लोन दे रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, यार देखो वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ओपन करना, ओपन करते ही होम बटन आएगा आपके सामने, या फिर अगर रजिस्टर्ड होगा तो अच्छी बात है, अपना नंबर डाल के रजिस्टर्ड कर लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास जियो का नंबर ही हो, आप किसी और नंबर भी डाल के माई जियो ऐप को लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आइएगा और एक यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक सेक्शन है ईजी जीओबी करके, ईजी जीओबी करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर आप सर्च बार में क्लिक करना और नहीं मिलता है ऑप्शन तो यहाँ पर आइएगा और आपको मोर में क्लिक कर देना है। मोर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वाले मोर में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे एक इन्फॉर्मेशन में आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा ईजी जीओबी, फिर इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे, आप इस पेज में आ जाएंगे, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में इसको एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल, मराठी, कन्नड़, जो भी है। यहाँ पर आपको इंग्लिश, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे बताऊँ तो मैंने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो भी ज़िला है वो यहाँ पर ढूंढ के सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला सेक्शन निकल जाएगा, यहाँ पर आप अपना जो मेल फीमेल है वो यहाँ पर डालेंगे, आपकी एज कितनी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी हैं वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर आपको भर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर OBC से आता हूँ तो OBC भरूँगा। आर यू डिफरेंटली एबल, यहाँ पर नो कर देना है। सेलेक्ट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भाई आपने क्या पास कर रखे हो, यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट योर रिलेशनशिप विद द पर्सन होम यू आर डिपेंडेंट, आप किस पे डिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, फादर मदर किसके साथ रहते हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट योर इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पर आपको कर देना भाई APL में आते हैं, BPL में आते हैं, जो भी है आप सेलेक्ट कर देना। अर्बन रूरल, आप जो भी हैं यहाँ पर शहर से हैं, गांव से हैं, शहर करेंगे। फैमिली की जो इनकम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय यू, आप जो भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, घर हो गया, लैंड है और कुछ भी है, यहाँ पर मैं नन कर दूंगा। इसके बाद देखो आपके सामने काफ़ी सारी जो स्कीम्स है वो यहाँ पर निकल के आती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पर्सनल लोन लेना है। तो यहाँ पर देखो ऊपर एक बैनर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस टाइप का जो पॉपअप है वो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख क्या रहा है, इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई नाउ, और साथ में यहाँ पर दिख रहा है नो कॉलेट्रल, नो पेपर वर्क, नो बैंक विजिट। यहाँ पर पर्सनल लोन जो रहेगा भाई वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ वाले बटन में। अब यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे बताएंगे कि भाई आपको कितने तक का लोन चाहिए। मेरी मानो तो आप क्या करना, आप सबसे कम लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना, क्योंकि देखेगा भाई वो, फिर इसके बाद में आपको ज़्यादा लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर पर्सनल लोन सेक्शन में आने के बाद सेलेक्ट द टेनर ऑफ विच यू वांट टू बोरो, कितने समय के लिए चाहिए आपको, 12 महीने, 6 महीने, जो भी चाहिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने को लोन का पर्पस सेलेक्ट करना है कि भाई किस कारण से आप लोन लेना चाहते हैं। डेप्ट, मगर कोई कर्जा है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, कोई हो जाता है भाई घर में, इमरजेंसी आ जाती है, होम रेनोवेशन, घर का इम्प्रूवमेंट कराना है, बेडिंग एक्सपेंसेस, व्हीकल फाइनेंस, वेकेशन लोन, एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेमोरियल और फनरेबल एक्सपेंसेस, अदर, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब वो जो अदर लोन है, मतलब जो जिस टाइप का भी लोन ले रहा है वो किस सेक्टर के लिए आप ले रहे हैं, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टाइप, जो भी है किस टाइप का आप वर्क करते हैं या कहाँ वर्क करते हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ अकाउंटेंट्स। अब जो भी हैं देखो, अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो तो आपको यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में लिखना है, और अगर आप किसी कंपनी से सैलरी लेते हो गवर्नमेंट जॉब में है तो सैलरी सेलेक्ट करना, और अगर आप बेरोजगार हो तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करना, रिटायर्ड हो आप कुछ नहीं करते हो तो आप यहाँ पर रिटायर्ड में सेलेक्ट कर देना। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट द टाइप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थैंक यू, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट करेंटली यू हैव नॉट द सुटेबल लोन प्रोवाइडर फॉर अस। तो ये सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद ये आपको बता देगा कि भाई आप कितने तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल मैंने जो भी डिटेल सेलेक्ट करा था उसके अकॉर्डिंग मैं लोन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, और अगर आपको जितना भी लोन यहाँ पर दिखाई देगा जस्ट कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अप्लाई वाले बटन में क्लिक करना, अपना बैंक अकाउंट डालोगे, कुछ और डिटेल डालोगे, और विद इन कुछ ही सेकेंडों में आपका ये लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी लोगों के रिप्लाई देता हूँ। तो आपको इतना करना है, और थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी मेरी। तो फिलहाल आप इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।